दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय फैशन हब पालमपुर। कांग्रेस पार्टी ने रविवार को धर्मशाला में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राम मंदिर के विरोध में कभी भी नहीं रही है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही राम मंदिर का शिलान्यास करवाया था और ताले भी खुलवाए थे। इस मौके पर कुलदीप राठौर ने जय श्री राम के नारे भी लगवाए। कुलदीप राठौर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी और जयराम के कार्यकाल में महंगाई सातवें आसमान पर पहुंच गई है। कांग्रेस ने प्याज की मालाएं डालकर विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धर्मशाला शहर में विरोध रैली भी निकाली और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वो सरकार की जनविरोधी नीति के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं और हमारा संघर्ष जो है कहीं ना कहीं परिणति तक पहुंचेगा, हमको इस बात का पूरा विश्वास। तो जिस तरह भाजपा धरने पर बैठती थी, मालाएं पहनती थी, बर्तन बजाती थी, आपने भी वही रवैया अपनाया है? देखिए, हम कोई भाजपा की नकल नहीं कर रहे हैं सर। आइडिया भाजपा उस वक्त विपक्ष का रोल कर रही थी सर, आइडिया क्या सत्ता में थे, आज वो सत्ता में, आज हम विपक्ष का रोल कर रहे हैं। लेकिन हम विपक्ष का रोल जो है झूठ श्रेय जो किसी का चरित्र हनन उस राजनीति के तहत नहीं कर रहे। हम जो संघर्ष कर रहे हैं ये संघर्ष आम जनमानस के लिए, और इसी संघर्ष को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी जो है सड़कों में कांग्रेस पार्टी है और हमने ये दिखाया भी है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हर बड़ी पार्टी में छोटे मोटे मतभेद चलते हैं, ये स्वाभाविक है क्योंकि जो युवाक पार्टी होगी जो है छोटा मोटा विरोध चलता है। आज 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 ये सारे जो भी नारे लग रहे हैं ये इस बात को इंगित कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, ये किस तरह का जोश है, और नेताओं को इतनी मांग है, कोई नारा नहीं लगा, किसी के खिलाफ कोई नारा नहीं लगा। देखिए बात ये है, अगर अपने नेता का नारा लग रहा है उसमें बुरी बात क्या है? कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता का नारा रोज रही है। मैं इसको बड़ी सकारात्मक दृष्टि से देखता हूँ सर। दो सीटों पर करारी हार मिली, जांच भी हुई होगी, क्या निकला निष्कर्ष, क्या निकला? देखिए, अगर हम यहाँ चुनाव हारे वो इसलिए हारे कि अंतिम समय पे जो है हमें नया उम्मीदवार उतारना पड़ा और जो उम्मीदवार लड़े वो भी मानसिक रूप से तैयार नहीं थे, उनको पता था उनको चुनाव लड़ना है और रही बुरी हार नहीं हुई। पछाड़ में हम बड़े कम मतों से हारे, पूरी हम भारतीय जनता पार्टी से नहीं हारे, हम सरकार से हारे हैं। सरकार ने जो है पूरा वहाँ धन बल का प्रयोग किया, उसके बावजूद भी हमने उनको कड़ी टक्कर दी और जैसा मैंने कहा कि हमने उनको इन चुनावों में जो है दिन के तारे दिखाए। आने वाले जो अगला पड़ाव होगा उस पर कैसे आप बैठेंगे? देखिए, अभी हम जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हम ब्लॉक स्तर पर जाएंगे। कांग्रेस पार्टी को आप आने वाले समय में एक जुझारू संगठन के रूप में देखेंगे। हमने ये निर्णय लिया है, ये निश्चय किया है कि हम जो केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं, आर्थिक नीतियाँ हैं, जिसकी वजह से आज देश जो है आर्थिक आपातकाल की स्थिति में पहुंच गया, प्रदेश सरकार का भी वही रवैया है, हम इनका पूरा विरोध करेंगे और जब तक हम जो है प्रधानमंत्री मोदी को, जयराम जी को सत्ता से नहीं हटाते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। कैसे हटेगी भाजपा सत्ता से जब आप संगठित नहीं होंगे, आपके कार्यकर्ता आपका नहीं कहना नहीं मानेंगे, आपके नेता आपका कहना नहीं मानेंगे? कांग्रेस पार्टी बिल्कुल संगठित है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आपको दरारें नजर आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी में आ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी कितने अभी इन्वेस्टर मीट हुआ, इसमें तो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी जो है इग्नोर किया। ये पक्षपात। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए धर्मशाला से ब्यूरो चीफ पवन शर्मा के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। अब लोगों को चंडीगढ़, दिल्ली व अन्य बड़े शहरों की तरफ विवाह शादियों के मल्टीनेशनल ब्रांड के कपड़े खरीदने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब चाय नगरी पालमपुर में फैशन हब नाम से खुले मल्टी ब्रांड शोरूम में विभिन्न प्रकार के कपड़ों की रेंज उपलब्ध है।
इस शोरूम में खरीदारी के लिए महिलाओं की खूब भीड़ जुट रही है। दो मंजिला शोरूम की निचली मंजिल में बच्चों व महिलाओं के लिए आधुनिक कपड़ों की विभिन्न वैरायटी उपलब्ध है। वहीं ऊपरी मंजिल में जेंट्स के लिए हर प्रकार की ड्रेसेस, पैंट कोट, टाई, अंडर गार्मेंट्स आदि उपलब्ध है। त्योहारों के सीजन को देखते हुए फैशन हब में सभी प्रकार के कपड़े वाजिब दामों पर मिल जाएंगे। तो जल्द ही चले आइए फैशन हब पालमपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8588992518।